हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ BHU सोशल साइंस UET यानी BEd के क्वेश्चन पेपर 2018 के क्वेश्चन पेपर विथ आंसर। क्वेश्चन पेपर तो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ और इस वीडियो में मैं क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन जो है सोशल साइंस BEd के उनके आंसर लेके आई हूँ। आप आंसर एक एक करके देख लीजिएगा। पहले आप इंस्ट्रक्शन पेज देख लीजिए। एक एक करके इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिए। आज मैं आंसर अपलोड करूंगी। देख लीजिए, इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मार्क्स है फुल मार्क्स 300 के। टाइमिंग है 2.5 घंटे। इसको दो ग्रुप में बांटा गया है क्वेश्चन पेपर को, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 30 क्वेश्चन यानी 30 क्वेश्चन और सेक्शन बी में 70 क्वेश्चन है। यानी इसमें टोटल सोशल साइंस का जो पेपर है इसमें टोटल 8 सब्जेक्ट जो होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहा है। एवरेज लगभग 10 to 15 है। आप पढ़ लीजिए इंस्ट्रक्शन पेज पर। सेक्शन ए से ये क्वेश्चन स्टार्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड से। टीचिंग एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या अच्छे अध्यापन के गुण का प्रदर्शन करता है, तो इसका आंसर होगा 2 मानक प्रश्नों को पूछना या रेजेज वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए टेस्ट इन क्लास इज दी टू ट्रेन स्टूडेंट टू गिव रिप्लाई आफ्टर थिंकिंग। यानी कि टेस्ट क्यों लिए जाते हैं, टेस्ट का उद्देश्य क्या होता है, तो विद्यार्थियों को चिंतन के पश्चात उत्तर देने के लिए प्रशिक्षित करना। क्वेश्चन नंबर थ्री का होगा, एक अध्यापक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका कक्षा में एक ऐसे व्यक्ति की होती है जो छात्रों का मार्गदर्शन करे, गाइड द स्टूडेंट्स। आंसर होगा 4। अगर इसमें आप ये आंसर देने के लिए जो बोलता है टीचिंग एप्टीट्यूड में, जो ज़्यादा नियरेस्ट हो, यानी कि ये सभी इम्पोर्टेंट है लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है छात्रों का मार्गदर्शन। अगर आपको इसमें कुछ दूसरा लगे तो आप लगा सकते हैं क्योंकि ये सब नियरेस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर होगा 4। आंसर है, क्वेश्चन है, निम्न में से सभी शिक्षण छात्रों में अच्छे अभिप्रेरणा के सृजन के लिए उपयोगी है, केवल एक को छोड़ रहा है। एक को किसको छोड़ दें, तो ज़्यादा सब इम्पोर्टेंट हैं, तो शिक्षण हमेशा अध्यापक से आना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि शिक्षण यानी टीचिंग जो है सिर्फ अध्यापक से ही नहीं आते हैं, बच्चे कहीं भी सीख लेते हैं, खेलते कूदते, किसी बच्चे से, अपने दोस्त से, किसी घटना को देख कर शिक्षण उन्हें किसी भी तरह से प्राप्त हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5, चिल्ड्रेन जनरली रिमेंबर दोज थिंग दैट दे वॉच लर्न बाय डूइंग देमसेल्फ। यानी कि बच्चे अधिकांशतः उन चीज़ों को याद करते हैं जो स्वयं करके सीखते हैं, तो 5 का आंसर होगा 1। 6 नंबर क्वेश्चन, इन वेरियस टीचिंग मेथड विच डिजाइन टू मॉडिफाई द लर्नर्स बिहेवियर। मैंने लर्नर बिहेवियर्स को कौन ज़्यादा प्रभावित करता है, तो शिक्षक। आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 7, द मोस्ट पावरफुल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम इज। 3 नंबर, कन्फ्यूजन ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर। 8 नंबर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन आर डिसाइडेड बाय ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन आर डिसाइडेड बाय साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन। आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 9, इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग डिपेंड्स लिस्ट अपॉन 2 नंबर, साइकोलॉजिकल स्टेट, मनोवैज्ञानिक अवस्था पर। 9 का 2 आंसर होगा। 10 का 3 आंसर होगा, टेक टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल। यानी कि
मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक शिक्षक के सम्मुख सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है कि शिक्षण अधिगम को, टीचिंग प्रोसेस को, लर्निंग प्रोसेस को इंजॉयबल बनाना। ठीक है, अब आप एक पढ़ लीजिए, रीजनिंग है। रीजनिंग का इसका आंसर होगा, इसमें लगाया हुआ है, देख लीजिए कि समूह में कितने पुरुष सदस्य हैं, हाउ मैनी मेल मेंबर आर देयर इन ग्रुप, आंसर होगा 4। हाउ इज एफ रिलेटेड टू ई, आंसर होगा 3, पुत्र, सन। क्वेश्चन नंबर 13 कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स, तो फ्लूट यानी बांसुरी तीनों से अलग है, आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 14 इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज थर्सडे देन व्हेन विल संडे बी, आंसर होगा 3, टुमारो। 15 नंबर क्वेश्चन, यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर कौन सा दिन होगा, आंसर होगा 3, बुधवार। 16 नंबर क्वेश्चन में, यदि किसी साल में 25 अगस्त बृहस्पतिवार को पड़ता है तो उस महीने में सोमवार की संख्या होगी, आंसर होगा 3, यानी 5 सोमवार होंगे। 17 नंबर आप बना लीजिए, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, इसका आंसर तो है 4, यानी भाई। क्वेश्चन नंबर 18 इसको पढ़िए, पढ़ के बनाइए, इसका आंसर होगा 2। 19 क्वेश्चन, ट्रेन ट्रैक पर चलती है तो इसी तरह बुलेट बैरल से निकलती है, आंसर होगा 2। 20 नंबर क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है, आप बना लीजिए, इसका आंसर होगा 2 3 6 5 8। RMSA इज रिलेटेड टू एजुकेशन, कौन से एजुकेशन से रिलेटेड है, 3 सेकेंडरी। RMSA का अर्थ होता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ज्ञान दर्शन इज रिलेटेड टू, ज्ञान दर्शन इग्नू का चैनल है, आंसर होगा 1। हु वाज द चेयरमैन नेशनल नॉलेज कमीशन, सैम पित्रोदा, आंसर 1 होगा। प्लानिंग कमीशन इन इंडिया हैज बीन रिनेम्ड, प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज हो गया है, अब वो कौन सा है, नीति आयोग। 25 नंबर क्वेश्चन, विच स्टेट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी इन इंडिया, तो कौन से ज़्यादा यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी किस राज्य में है, तो आंसर होगा 2, उत्तर प्रदेश में टोटल 29 स्टेट यूनिवर्सिटी है, और उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, टोटल 6। आपको बता दूं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा है राजस्थान में, और डीम्ड यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा है तमिलनाडु में। नंबर क्वेश्चन, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, तो 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस। क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन नेशनल यूथ डे यानी युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर। इन विच स्टेट विश्वनाथ भारती सिचुएटेड, द विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है, क्या कहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित है, यह कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक इग्नाइटेड माइंड, के लेखक कौन है, तो आंसर होगा APJ अब्दुल कलाम। 30 नंबर क्वेश्चन, इन विच ईयर इंडियन पार्लियामेंट इनएक्टेड RCI एक्ट, तो RCI एक्ट का अर्थ है रिहैबिलिटेशन काउंसिल। RCI का क्या अर्थ है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल, इसका आंसर होगा 1992। तो आपको बता दूं, इससे ये जो तीनों दिया है रिलेटेड है, लेकिन इसका है 1992 में। मैं इसके थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये सब कैसे रिलेटेड है। इसका तो 30 का क्वेश्चन आंसर होगा 2, लेकिन 1986 में RCI जो हुआ था, एक रजिस्टर्ड सोसाइटी बना था, और 1993 में इट बिकेम ए स्टैट्यूटरी बॉडी बना था 1993 में, और 1992 में इसे पार्लियामेंट द्वारा इनैक्ट किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 यानी अब स्टार्ट हो गया सेक्शन बी। तो वैसे तो मैं चाहती थी कि सेक्शन ए तक ही आंसर करूं, लेकिन सेक्शन बी तक मैं
कर रही हूँ। सेक्शन बी का भी क्वेश्चन मैं आपके लिए डाल दे रही हूँ आंसर, आप देख लीजिएगा कि विच वन इज नॉट वेजिटेटिव फाइबर इन द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से कौन से वनस्पतिक तंतु नहीं है, यानी पेड़ पौधों से नहीं निकलते हैं। तो ऊन, ऊन क्या है, एनिमल फाइबर है। 32 नंबर क्वेश्चन, जल की अस्थायी कठोरता को किस प्रकार दूर किया जाता है, आंसर होगा वन, बाय बॉइलिंग। विच वन इज नॉट ए सेकेंडरी कलर, इसमें से कौन एक सेकेंडरी कलर नहीं है, तो आंसर है रेड, रेड जो है प्राइमरी कलर है। 34, कलर्स आर डिफरेंट ड्यू टू यू वैल्यू क्रोमा एंड बैलेंस, तो इसमें तो लगभग अप्रॉक्स आंसर हमने लगाया क्रोमा, आप देख लीजिएगा इसमें मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, मेरे हिसाब से क्रोमा है, लेकिन ये सारे कलर्स के आर डिफरेंट ड्यू टू, कलर्स के डिफरेंसेस के कारण हैं, लेकिन इसमें से क्रोमा जो है ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आंसर सही है। 35, विच वन इज नॉट क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर, यानी कौन सी उद्यमी का गुण नहीं होता है, तो लापरवाह, केयरलेस, आंसर होगा 3। विच वन इज नॉट ए टाइप ऑफ बजट, आंसर होगा 1, रियल बजट। 37, विच वन इज नॉट ए इनफॉर्मल टीचिंग मेथड, इसमें से कौन इनफॉर्मल टीचिंग मेथड की विधि नहीं है, मतलब कौन सी अनौपचारिक शिक्षण विधि नहीं है, तो आंसर होगा ऑपरेशन चार्ट, क्योंकि पाथवे चार्ट, ग्राफ चार्ट, प्रोसेस चार्ट, ये चार्ट है, लेकिन ऑपरेशन चार्ट नहीं होते हैं, लेकिन इस आंसर में भी मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ, अगर आपको कोई क्लियर आंसर मिलता है तो मुझे बताइए जरूर। 38, नियोसिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो नियोसिन क्या है, आपको बता दूं कि विटामिन जो होते हैं, तो विटामिन B5 को नियोसिन, नियासिन कहते हैं, और इसे पेलेग्रा बीमारी होती है, पेलेग्रा जो है त्वचा की बीमारी है, त्वचा से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड। 39 क्वेश्चन, विच वन इज नॉट ए फैक्टर अफेक्टिंग बेस मेटाबॉलिक रेट, बेस मेटाबॉलिक रेट को प्रभावित करने वाले फैक्टर, तो इसमें से मुझे लगता है अंतःस्रावी ग्रंथियां, सेक्रेशन ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड से शायद मेटाबॉलिक रेट प्रभावित नहीं होता है। 40 क्वेश्चन, एसेंशियल अमीनो एसिड इज कॉल्ड लाइसिन, एसेंशियल अमीनो एसिड का लाइसिन कहते हैं। 40 का एक नंबर को आंसर होगा, 41 का आंसर 2 होगा, कि एन एडल्ट वुमेन की कैलोरी कितना रिक्वायर करता है, 1800 से 2200, आंसर होगा। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, क्रेटिनिज्म। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ हिस्ट्री, आप भी बना सकते हैं बहुत जल्दी जल्दी, आप बना लीजिए, देख लीजिए कि पार्श्वनाथ के धार्मिक उपदेशों में महावीर स्वामी ने निम्नलिखित से कौन से किस सिद्धांत को शामिल किया बाद में, 4 तो उनके पहले थे, 5वां इन्होंने किया ब्रह्मचर्य। 44 क्वेश्चन, हु बिल्ट द स्तूप ऑफ सांसाची का निर्माण किसने किया था, आंसर होगा अशोका। 45, वेयर डिड बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सरमन, अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ, सारनाथ कहाँ है, बनारस में, वहाँ के सारनाथ है किस जगह पर, ऋषिपत्नम में। विच एमोंग द फॉलोइंग मोस्ट एंशियंट, सबसे पुराना कौन सा है, ऋग्वेद, आंसर होगा 1। हु वाज द ऑथर ऑफ राजतरंगिणी, राजतरंगिणी का आंसर है कलह। 4, हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ लाख बॉक्स, लाख बक्स किसको कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, क्यों कहा जाता है, इनकी उदारता के कारण। 3 आंसर होगा। 49 का आंसर होगा 1, निजामुद्दीन अहमद, तबकात अकबरी के लेखक कौन है, निजामुद्दीन अहमद। 50 नंबर क्वेश्चन, हु फाउंडेड द किंगडम ऑफ अवध इन 1722 में, तो किंगडम ऑफ अवध को स्थापित किया था 1722 ईस्वी में सादत खान ने, और मुर्शिद कुली खान ने तो सबसे पहले 1701 ईस्वी में ही बंगाल की स्थापना की थी, और सादत खान ने अवध की स्थापना की थी 3 में। 3 आंसर होगा, खैर सॉरी सॉरी, मुर्शिद कुली खान का इसमें कोई लेना देना नहीं है, सादत खान आंसर होगा 3।
51. हु आर द हाइस्ट मिलिट्री ऑफिसर ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड. द मिलिट्री ऑफिसर कौन है हाइस्ट. आंसर वन होगा खान. 52 में मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित की कहाँ. मुंगेर. आंसर होगा टू. 53 हु आर द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. आंसर होगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स. 54 महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ की गई पत्रिका का क्या नाम था. हरिजन. 55 नंबर हु गेव द आइडिया ऑफ फिलोसोफर किंग. दार्शनिक राजा का विचार किसने दिया. आंसर होगा 3 प्लेटो ने. हु आज द ऑथर ऑफ द प्रिंस. प्रिंस के लेखक कौन है. मैकियावेली. 57 हु ऑफ द फॉलोइंग गेव द मोनिस्ट थ्योरी ऑफ सोवर्निटी. संप्रभुता का एकल सिद्धांत का किसने दिया था. ऑस्टिन ने. आंसर होगा 3. 58 व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रल कॉलेज फॉर इलेक्टिक द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए. यूएसए के लिए निर्वाचक मंडल की संख्या कितनी होती है. चुनने वाले निर्वाचक मंडल 538. ये टोटल होते हैं इलेक्ट्रल कॉलेज कलीग निर्वाचक मंडल होते हैं और इनमें से 270 मत प्राप्त करने के बाद 270 हाईएस्ट मेजोरिटी होती है जिससे प्रेसिडेंट इलेक्टेड हो जाते हैं. 59 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिपब्लिक. इसमें से आंसर होगा चाइना. चाइना रिपब्लिक नहीं है. क्या है. कम्युनिस्ट है यानी साम्यवादी. 60 विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंग्लैंड. हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंग्लैंड एक अपीलीय कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट. लेकिन 2005 के पार्लियामेंट्री एक्ट के अनुसार अब ये दिया गया इसको हाउस ऑफ लॉर्ड जो है वहाँ का हाईएस्ट कोर्ट है इंग्लैंड के. टू आंसर होगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द मेथड ऑफ अर्ली कांग्रेस मैन. अच्छा प्रारंभिक कांग्रेस जनों का तरीका नहीं था क्या. आंदोलन यानी शुरू शुरू के जो कांग्रेस के दल के जो नेता होते थे वे अंग्रेजों से आंदोलन नहीं प्रार्थना करते थे आवेदन करते थे डेपुटेशन करते थे. लेकिन बाद के 1907 में जो कांग्रेस का विभाजन हो गया उग्रवादी दल और उदारवादी दल तो उनमें आंदोलन अपना जरिया अपनाया. लेकिन पहले क्या था आंदोलन नहीं था. 62 कौन से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी नहीं थे. तो लाल बालपाल तो आप सुने ही होंगे ये उग्रवादी थे तो इसमें से बच कौन जाते हैं. गोपाल कृष्ण गोखले. गोखले उग्रवादी नहीं थे. 63 निम्नलिखित में कौन शब्द संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है. प्रेम्बल में उल्लेखित नहीं है तो आंसर होगा 3 फेडरल संघात्मक. क्योंकि पंथ निरपेक्ष भी है समाजवादी भी है प्रजातांत्रिक भी है. हु इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में. तो A.O. ह्यूम. एलन ऑक्टन ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक के रूप में जाना जाता है. इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में. 65 हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ जनरल विल. समान इच्छा का सिद्धांत किसने दिया था. समान इच्छा का सिद्धांत दिया था किसने. रूसो ने. 65 तक ठीक है. अभी अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वो है अकाउंटिंग से लेकिन आप खुद सॉल्व कीजिए. मैं 65 तक ही आंसर आपको दे रही हूँ और आपको आगे भी कोशिश करूँगी लेकिन आप खुद बनाइए. जिनका जो सब्जेक्ट है वो आप खुद सॉल्व कीजिए इससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा. यहाँ तक हमने क्वेश्चन आंसर आपने मैंने अपलोड कर दिया. अब हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. अगर किसी तरह के टीचिंग एप्टीट्यूड में कोई कन्फ्यूजन हो क्योंकि कन्फ्यूजन होगा क्योंकि जो ज़्यादा नियरेस्ट आंसर होते हैं वही आंसर दिया जाता है. बाकी ऐसा नहीं कि वो सारे आंसर और गलत है वो भी सही है लेकिन ज़्यादा नियरेस्ट आंसर हम लोग देते हैं. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और जो भी नए विद्यार्थी हैं
उन्हें मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू सो मच.